हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे नाव एवं धारा से ही रिलेटेड प्रश्न और इसी का हम लोग का सीरीज भी चल रहा है। तो ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो और नाव और धारा से रिलेटेड यानी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड 5 वीडियो बना दिया गया। उस पांचों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं जहाँ से आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से अगर वहाँ पांचों अगर आप देख लेते हैं पांचों पार्ट, तो आपका नाव और धारा से रिलेटेड 100% प्रश्न आप बना लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए इसको बारीकी से एक बार क्या कीजिए, आप खुद वीडियो को रोक करके और पढ़ लीजिए, तो आपको क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते हुए बनाते हुए ही चलेंगे। क्वेश्चन बोला है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। अब देखिए, किनारे से तो समझना है कि यहाँ क्या है, यहाँ से 20 किलोमीटर यहाँ ना किनारा है और यहाँ किनारा है, और यहाँ से यहाँ के दूरी कितना किलोमीटर दिया गया है, 20 किलोमीटर। और जब 20 किलोमीटर होता है तो यहाँ से जब नाव को यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचने के लिए रहता है तो इसमें क्या हो जाता है, रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव शुरू हो गए यहां से यहां तक, यहां समझ गए होंगे यहां तक, आगे पढ़िए। रिसाव के बावजूद किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ने में सक्षम है। इसमें रिसाव हो रहा है, पानी क्या हुआ अंदर जाने लगा जहाज में, तो पर भी नाव क्या होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में क्या रहता है, सक्षम। यानी नाव के अगर चाल रिसाव के भी कारण कितना हो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, यानी कि 23 मिनट तक ही जहाज क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, लेकिन कितना 23 मिनट तक ही चल सकता है। एक कंडीशन ही है, आगे अगर पढ़ते हैं, यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है। ठीक है, किनारे से यानी कि इस किनारे से बचाने के लिए, कि इसमें जितने भी यात्री लोग जो बैठे हुए हैं उनको क्या करना है, बचाना है। तो इधर से इधर इस साइड से जब पता चलता है, यहाँ सूचना देता है, समझ जाइए यहाँ इस नौका पर जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी नाविक रहता है, ठीक है, उसको सूचना दिया जाता है कि आके क्या करना है, बचाना है। अब इधर से भी आएगा बचाने के लिए, तो इसका तो चाल दिया गया नहीं है, इसका अगर चाल अगर ले लेते हैं बचाने वाला का, कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बचाने के लिए चल देता है। ठीक है, अब चल दिया, इधर से भी चल रहा है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से चल रहा है कैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और समय कितना है 23 मिनट है, 23 मिनट के अंदर ही इसको क्या करना है, बचाना है। तो अब समझिए, सबसे पहले दूरी कितना दिया गया है 20, और चाल इधर से और इधर दोनों के क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आप जानते हैं जब अपोजिट साइड, तो कितना दूरी बटा क्या हो गया चाल, ठीक है, क्या हो जाएगा समय। आगे पढ़िए, तो कहता है कि 23 मिनट है, यदि किनारे पर एक बचाव भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझना है, थोड़ा सा समझना क्या है, टाइम कितना दिया गया है 23 मिनट, और 23 मिनट में कहता है कि यात्री को किस कितना, देखिए यहाँ यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, यानी कि जो भी इसमें यात्री होगा, तो यहाँ से यहाँ जो सूचना इसको मिला, तो इसमें से जितना भी यात्री होंगे, तो यहाँ दोनों जब मिलेगा कोई अगर बिंदु पर पॉइंट पर, तो इससे इस पर टोटल यात्री चढ़ेगा, ठीक है, बचाव वाला जहाज पे, तो इसमें इसको टाइम ही पहले बता दिया कितना टाइम लगेगा 8 मिनट, तो 8 मिनट है इस जहाज को कितना चलना कितना है, तो 23 मिनट तक चल सकता था, लेकिन 23 मिनट तक इसको इतना ही स्पीड से आना होगा कि इसको कितना और 8 मिनट पहले पहुंच जाए, तो 8 मिनट अगर पहले पहुंच जाएगा तो इसका टाइम जो लीजिएगा, तो इसमें से कितना आप माइनस कर लीजिए, सबसे पहले 8 मिनट अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना चलेगा 15 मिनट, और 15 मिनट क्यों लिए, कि 8 मिनट तो उसको बचाना होगा इसके लिए, स्पीड के लिए हम लोग, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो टाइम कितना हो गया 8, तो इधर ले लिए कितना हो गया दूरी, और दूरी बटा क्या हो गया समय, ठीक है, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा समय, और इस समय को कितना बच रहा है 15 मिनट अब बच रहा है, तो 15 मिनट क्या होगा दोनों तरफ, तो इसको भी बदल लीजिए किसमें, घंटा में, तो घंटा में बदलिएगा, तो कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 60 से, आप ही जानते हैं, बस इसी को आप सोल्व कर लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा सिर्फ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अगर आप समझ जाइएगा तो सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना बार में, 4 बार में,
इससे अगर इसको कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, 20 चौको 80, तो एक्स इक्वल टू अगर उधर कर लेते हैं तो कितना चला है 68 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या लैंग्वेज से देख के नहीं मानना है, आप आसानी तरीका से, बस ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको पेपर में जब चला इस टाइप का क्वेश्चन तो आप देखें कि लंबा चौड़ा है, समझ में छोड़ देना है, एक बार जरूर पढ़िए और आसानी से इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आप देख लीजिए ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार फिर, वही है, सिर्फ आपको डिजिट चेंज कर दिया गया है, अंक चेंज है, वहाँ से आप बस उसी जैसे बनाए हैं उसी टाइप से इसको भी बनाना है। लेकिन चलिए हम लोग पढ़ेंगे और बनाते भी चलेंगे ताकि जिन लोगों को पहला वाला क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या सेकेंड नंबर के द्वारा समझ लें। तो देखिए प्रश्न है, एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू होता है, वही कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर, और जब नाव यहाँ पर जब पहुँचती है तो इसमें क्या हो जाता है, रिसाव शुरू हो जाता है, ठीक है, रिसाव शुरू, अब रिसाव शुरू हो जाता है, रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ने में सक्षम है, ठीक है, यानी रिसाव हो गया तो इसका स्पीड कमा तो पर भी कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकते हैं ना, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे देखिए सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 27 मिनट तक ही जल पलावित रह सकता है, यानी कि 27 मिनट तक यहाँ से यहाँ तक क्या जाने में इसको चल सकता है, अब 27 मिनट में यहाँ पहुँचना है तो 27 मिनट में जब रिसाव शुरू होगा तो पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है, यानी कि कंडीशन हुआ, इसको पता चला, जो भी नाव चला रहा था उस व्यक्ति को पता चला कि हम 27 मिनट तक ले जिस कंडीशन से अभी नाव चल रही है तो 27 मिनट तक ले हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आगे देखिए, यदि किनारे से एक बचाव नौका जहाज की ओर भेजा जाता है, इधर से एक नौका आता है जहाज की ओर, जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 7 मिनट लगते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 7 मिनट, यहाँ जब नाव जब कोई भी पॉइंट पर जब आके मिलेगा तो उसको यात्री के इसमें से जो भी यात्री रहेगा तो इस नाव में अगर चढ़ाता है, ठीक है, तो यहाँ आकर तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो 7 मिनट यहाँ तक। अब इधर से तो स्पीड आपका दिया गया नहीं है तो इधर के स्पीड कितना ले लीजिएगा नौका का कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस आपका दे दिया था, दूरी था 30 किलोमीटर और ये ले लीजिएगा 15 प्लस एक्स, ठीक है, इस तरीका से ले लेना है, कितना हो जाएगा 30 और प्लस एक्स प्लस कितना चाहे 15 प्लस एक्स लिख लीजिए। अब बोले कि कितना 7 मिनट यहाँ दे दिया, 27 मिनट टोटल टाइम है यात्री के बचाने में, कितना लगता है टाइम 7 मिनट इससे उस नाव में चढ़ाने में नौका पे, ठीक है, तो सबसे पहले 7 मिनट और पहले पहुँचना होगा तो 27 में से आप 7 पहले माइनस कर दीजिए, यानी कि 20 मिनट के ही अंदर इसके पास नाव दोनों को लग जाना चाहिए ताकि 7 मिनट में यात्री चढ़ जाए, तो टाइम कितना 20 मिनट, तो 20 बटा कितना कर दीजिएगा 60, बस आसानी से आप बना सकते हैं, कितना हो जाएगा 3, अब इससे इसको इंटू कर दीजिए तो कितना चलेगा एक्स प्लस 15 और ये हो जाएगा 9, इसमें से अगर इधर माइनस कर लेते हैं तो कितना चलाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नौका का जो चाल हुआ, बचाने वाला जो नाव है नौका है उसका चाल जो हुआ कितना हुआ 75 किलोमीटर प्रति घंटा, आसानी से आप बना सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे तो आप सेकंडों में देखिए कितना बड़ा प्रश्न है और कितना सेकंडों में आप बना सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। आज का टाइप आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे प्रश्न शुरू किया जाए, वीडियो बनाया जाए, इसके बारे में आप कमेंट करके आप बताएं ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो आप कहिएगा उसी पे बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।